हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे, इसलिए लिक्विड, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिए, फल फ्रूट्स खाएं, और जहां तक हो उसके घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके निकले। सो आज की जो वर्कशीट है वो क्लास सेकंड के लिए है। इस वर्कशीट को अगर आपके बच्चों के पीरियड टेस्ट चल रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं, और अगर फिनिश हो चुके हैं तो होलीडे होमवर्क में भी आप इसको दे सकते हैं। समर वैकेशन में इस तरह की वर्कशीट की आप प्रैक्टिस कराइए, जिससे बच्चे का कंसेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए और वो इसको एंजॉय भी करे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन। देखिए, फर्स्ट में है 207, 208, 209, फिर क्या आएगा हमारा नेक्स्ट नंबर 210, 211, 212, 213। देखिए, फर्स्ट क्लास तक तो हम नंबर सीखते थे 100 तक। अब जो हमारी नंबर है वो हम सीखेंगे अप टू 999, यानी कि हम थ्री डिजिट्स वाले नंबर सीखेंगे। सो नेक्स्ट हमारा आएगा 322, 324, क्योंकि 3 ऑलरेडी है, 326 और 327। बाकी के दोनों क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करिएगा। राइट इन वर्ड्स, अब आपको लिखना है वर्ड्स में। देखिए, जो कमेंट्स है वो टर्न ऑफ कर दिए गए हैं वीडियोस के, सो आपकी कोई भी जो क्वेरीज है आप कम्युनिटी टैब पे जाके वहां पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। राइट इन वर्ड्स, तो आपको इनको वर्ड्स में लिखना है। ये हो गया हमारा 534। नेक्स्ट है 542। देखिए, कुछ बच्चे ना जो 40 की स्पेलिंग है वो यू भी करके लिखते हैं, सो वो गलत तो नहीं होती है। पहले के टाइम में हम लिखते थे एफ ओ यू आर टी वाई, बट अभी जो चेंजेस होते रहते हैं अब हम लिखते हैं एफ ओ आर टी वाई। ठीक है, 730। ठीक है, इस तरीके से हम इसके पूरे क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन फिगर्स 231, 302, 571, 892, 786 और 500। नेक्स्ट है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमें इनको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करेंगे, सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे सबसे छोटा चेक करने के लिए फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये दो डिजिट है जो छोटी है, क्योंकि ये 3 से स्टार्ट है, ये 4 से, ये 6 और ये 5 से, इन दोनों नंबर्स में भी सबसे छोटा कौन सा है, ये 203। तो पहले हम लिखेंगे 203, उसके बाद 227। अब ये दोनों नंबर्स हो गए हैं तो हम इनको छोटा सा क्रॉस का साइन लगा लेंगे कि अब इन दोनों को नहीं करना है। फिर हम चेक करेंगे सबसे छोटा नंबर, तो 317, 413, 552 एंड 622। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, इसी तरीके से हम बाकी दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। 6 2 12 3 5 15 4 6 24 2 8 16 3 7 21 और 9 4 36। ठीक है, ये वाला जो है वो आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट है एड द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको एड करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने कैरी वाले सम लिए हैं। कुछ स्कूलों में जो है वो फर्स्ट क्लास में हम कैरी वाले सिखा देते हैं, वैसे हमारे कंसेप्ट में नहीं होता है, फिर भी हम बच्चों को एक्स्ट्रा सिखा सकते हैं, उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है, सो 3 और 7 कितने हो जाएंगे, 10। सो 10 का 10 नहीं लिखेंगे, 1 जो आगे की कैरी वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, जो 10 हमारा होता है उसका पिछला नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 2 और 6 8 और 1 कैरी भी ऐड करेंगे 9, 3 और 4 7। इसी तरीके से 4 और 7 और 4 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 और 3 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 8 और 3 11 और 1 कैरी ऐड करेंगे 12, 1 कैरी फॉरवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा 11, 9 और 1 10, उसमें 1 कैरी ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जो मैंने सब्ट्रैक्शन के सम दिए हैं वो कैरी वाले हैं, ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये है कैरी वाले। अब देखिए, 6 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 6 क्या करेगा, वो 4 के पास जाएगा और 1 कैरी
बोरो कर लेगा, तो ये हो जाएंगे 16 और यहाँ पे एक नंबर हो जाएगा कम। नाउ 16 में से 7 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, 1 में से 6 नहीं जा सकता तो 1 क्या करेगा, 2 के पास से 1 कैरी लेगा, तो यहाँ हो जाएंगे 16 और यहाँ रह जाएगा 1। अब 11 में से 6 गया 5, 1 में से 1 गया 0 और 5 में से 3 गया 2। इस तरीके से हम अपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे और बड़ा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को चेक करेंगे और जो नंबर बड़ा है उसको आगे लिख के छोटा सा क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद हमारा है 180, फिर 172, उसके बाद 113, 105 और 90। ठीक है, इसी तरीके से हम अपना ये वाला क्वेश्चन करेंगे 631। फिर देखिए ये भी 4 से शुरू है, ये भी 4 से शुरू और ये भी 4 से शुरू है, लेकिन इससे पहले हमारे पास 5 भी है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 42, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50, तो 50 बड़ा है सो 450, फिर 442, 420 और फिर लास्ट ये रह गया 339। इसी तरीके से हम अपने लास्ट वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। उसके बाद है राइट इन शॉर्ट फॉर्म, सो 200 प्लस 10 प्लस 4 कितने हो गए 214, ये 746, 839, 321, 550 और 803। ठीक है, सो आज के इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।